नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृताज हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कॉटेज चीज़ कीटो बर्गर की रेसिपी। अगर आप घर में कुछ हेल्दी बनाकर खाना चाहते हैं पूरी तरह से इंडियन इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर, तो ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और इसमें मैं करीब आधी बड़ी चम्मच नमक डाल रही हूँ। ये नमक को अच्छी तरह से घोल लीजिए और हमारा जो बंद गोभी होता है कैबेज, उसकी पत्तियाँ हमें निकाल लेनी है। तो इसे निकालते समय आप इस तरह से ऊपर से नहीं निकालें तो ये फट जाती हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसको निकालना कैसे है। ऊपर से न निकालते हुए पीछे वाला जो नीचे का हिस्सा होता है इसका, इसको आप चाकू की सहायता से कट कर लीजिए। यहाँ पे जहाँ पत्ती स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आपको कट कर लेना है। देखिए इस तरह से, जैसे मैं यहाँ कट कर रही हूँ, और ये जो हिस्सा है इसको आपको लूज़ कर फिर ऊपर उठा लेना है, तो आपका जो पत्ता है एकदम अच्छी तरह से बिना फटे निकल आएगा। बस इसी तरह से आपको जितने बर्गर बनाने हैं उतने पत्ते आप निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने चार पत्तियाँ निकाल ली हैं। अब इन पत्तियों को जो हमने पानी बना कर रखा था उसमें हम भिगो कर रख देंगे। ज़्यादा देर नहीं भिगोना है, बस जब तक बाकी की प्रोसेस हो रही है तब तक इसको भिगो कर रखेंगे, क्योंकि इंडियन गोभी जो है वो थोड़ा सा तेज़ होता है स्वाद में और स्मेल में भी, तो इसलिए हमें ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर आप अमेरिकन गोभी जो कि लेटस है या चाइनीज़ गोभी यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रोसेस ना करें। फिर इसमें मैंने एक पैन लिया और इसमें एक बड़ी चम्मच घी डाल लिया है। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। फिर इसमें दो बड़े और मोटे साइज मैंने पनीर के क्यूब्स डाल लिए हैं और इसी में मैं डाल रही हूँ मेरी शिमला मिर्ची। तो यहाँ पे शिमला मिर्ची भी मैंने रख ली है और ये यहाँ पे मेरा जो गैस है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर लूँगी। तो यहाँ पे नमक भी आप चाहें तो हिमालयन सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। अब इसको 2 मिनट मैंने पका लिया। अब इसको पलट लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कुकिंग करना है इसका, बस थोड़ा सा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इनको पलट लीजिए। पलटने के बाद जो प्रोसेस हमने पहले की थी वही हमें करनी है। वापस से थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करें और थोड़ी सी नमक स्प्रिंकल कर लीजिए। तो दूसरी साइड से भी हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम तक पे 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इनको निकाल लीजिए। इससे ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो ये जो शिमला मिर्ची है वो गल जाएगी, क्रंची नहीं रहेगी और पनीर भी जो है वो सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने मेरी शिमला मिर्ची और पनीर निकाल लिया है। इतनी देर में मेरे जो गोभी के पत्ते थे वो भी अच्छी तरह से सोख हो गए हैं और इनमें का जो एक्सेस पानी है वो मैंने झटक लिया है। इनमें से एक पत्ते में मैंने एक बड़ी चम्मच मायोनीज़ लगाया है। ये जो मायोनीज़ है ये घर का बना हुआ मायोनीज़ है। इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगी और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। फिर इसमें आप पनीर की जो स्लाइस है वो रखिए, 2 स्लाइस शिमला मिर्च की रख लीजिए, 2 स्लाइस टमाटर की रख लीजिए, 2 स्लाइस ककड़ी की रख लीजिए और फिर से 1 स्लाइस पनीर की, 2 स्लाइस शिमला मिर्ची की जो हमने रखी हुई थी भूनकर वो, और ऊपर से 2 स्लाइस और ककड़ी की। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं या थोड़ा नमक और काली मिर्ची और स्प्रिंकल कर सकते हैं। फिर इनको अच्छी तरह से रैप कीजिए। आपका कीटो बर्गर खाने के लिए तैयार है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा दोस्तों। वेट वॉचर्स के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही यूज़फुल है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।